फिर मेरी नजर एलेक्सा पे पड़ी। फिर मैंने एलेक्सा से बोला, एलेक्सा कुत्ते की आवाज निकालो। फिर उसी रास्ते से बंदर ऊपर आया और डर के भागने लगी और बंदर किचन में खाना और बाकी सामान। मम्मा मम्मा बोल रही है तो मुझे लगा कि होगा कुछ ऐसे ही, तो बंदर आए कुत्ते की आवाज सुनकर फिर बंदर एक एक करके डर के भागने लगे। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। उस दिन कुछ गेस्ट लोग आए थे तो वो नीचे गेट बंद करना भूल गए। फिर उसी रास्ते से बंदर ऊपर आया और किचन में तबाही मचाने लगा। फिर बच्ची आई देखी तो वो डर के भागने लगी और मामा बुलाने लगी। फिर हम लोगों ने आके देखा तो बंदर किचन में खाना और बाकी सामान इधर उधर फेंक रहे थे। फिर हम भी डर गए। फिर मेरी नज़र एलेक्सा पे पड़ी। फिर मैंने एलेक्सा से बोला, एलेक्सा कुत्ते की आवाज़ निकालो। फिर कुत्ते की आवाज़ सुनकर अब आप कौन से जानवर की आवाज सुनना पसंद करेंगे? कुत्ते की आवाज सुनकर फिर बंदर एक एक करके डर के भागने लगे। फिर घर के परिजन आए थे क्या? मम्मी का लोग आए क्या? हाँ, फिर उसके बाद जीजू आए और फिर वो पूछने लगे। उस दिन ये हुआ था, हम लोग रूम में बैठे थे तो बंदर आए, तो नीचे गेट खुला हुआ था तो बंदर आ गए और बच्ची बोली कि मम्मा मम्मा बोल रही है तो मुझे लगा कि होगा कुछ ऐसे ही। फिर जब मैंने आके देखा तो बंदर आके यहाँ इसको डरा रहा है। तब तक इनको निकिता को मैंने बुलाया तो निकिता का दिमाग थोड़ा चला, वो बोली कि एलेक्सा और बंदर की आवाज़ निकालो, कुत्ते की आवाज़ निकालो। तो तुरंत कुत्ते की आवाज़ निकाली एलेक्सा। तो उसके बाद बंदर सारे डर के भाग गए।